नमस्कार दोस्तों मैं हूं सौरभ आप सभी का स्वागत है एक ही लक्ष्य चैनल पर दोस्तों दोस्तों एक और नई वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं इस वीडियो में बात होने वाली है नीट यूजी 2023 के एग्ज़ाम को लेकर जो कि आपका नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम होता है जो कि आपके मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट के एडमिशन जो भी आपके मेडिकल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी होते हैं इंडिया के अंदर उसके अंदर अगर आपको एडमिशन लेना होता होता है मेडिकल कोर्सेज के अंदर तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम देना होता है जिसकी जिसके लिए आपको एलिजिबिलिटी और सारा प्रोसेस जो है इस एग्ज़ाम का पता होना चाहिए जैसे कि आपको पता होगा वन वीक पहले एक नोटिस आया था जिस नोटिस में जो है ये बताया गया था कि आपका एन जो है नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो अब आपका जो है नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी 2023 से और इस बार ये भी बताया गया था कि सारा कुछ जहाँ आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होगा हर एक चीज़ कितने क्वेश्चन तो सब कुछ जो है एनएमसी डिसाइड करेगी तो मैंने उस नोटिस में आपको एक एक चीज़ बताई है नीट यूजी में 2023 में मेजर चेंजेस हुए हैं इस बार वो सारे मैंने उस वीडियो में आपको बताए हैं दोस्तों इस वीडियो में बात होने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर कि जो आपके नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए मेडिकल कोर्सेज़ के लिए जो आप इंस्टीट्यूट जैसे एम्स और जैसे और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों इस बार जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 मार्च से चालू हो रहे हैं यानी कि इस बार आज से यानी कि 6 मार्च से जो है आप इन फॉर्म्स को जो है फिल कर सकेंगे ये वो नोटिस है जो आज ही आया है एन टी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि नीट डॉट एन टी ए डॉट एन आई सी डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिस जो है अब आ चुका है इस नोटिस के अंदर क्या लिखा है इस नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ है साफ कि इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन यानी यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एन टी एज इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नीट यू जी दो हजार तेईस फॉर एडमिशंस टू द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सिज इन ऑल इंड मेडिकल इंस्टीट्यूशनस इन इंडिया जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था जो पहले एक नोटिस बताया था मैंने आपको जो वन वीक पहले आया था ट्वेंटी सेवन्थ फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पर जो नोटिस आया था उसमें मैंने आपको ए टू जेड सब कुछ बताया है उस नोटिस के अंदर क्या क्या है तो उसी में ये भी लिखा हुआ था कि जो नीट का एग्ज़ाम होगा उसमें एलिजिबिलिटी और वो सारा कुछ वहाँ पर भी लिखा हुआ है हालांकि जो इनका ब्राउज़र है वो भी अब वेबसाइट पे आ चुका है यानी कि इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र होता है जिसे आप कभी कभार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी बोलते हैं दोस्तों उसमें क्या होता है उसमें आपका एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्टिंग से लेकर आपका रिजल्ट आने तक सारा डिटेल जो है उसके अंदर होता है इस नोटिस में जो है वो एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ इस वीडियो में मेनली तो इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी आपके मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर उन सब में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज जितने भी आपके आते हैं उन सब के लिए आपको नीट यू का एग्ज़ाम देना होता है जो इस बार दो में छः मार्च से जो है उसके फॉर्म फिल करना यानी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एज़ पर सेक्शन फोर्टीन ऑफ द नेशनल मेडिकल काउंस कमीशन एक्ट Act 2019, the NEET UG has to be conducted as a common and uniform national eligibility come-entrance test uh, for admission to undergraduate medical education in all medical institutions. Similarly, as per Section 14 of the National Commission फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी देयर शैल बी आर यूनिफॉम नीट यू जी फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन ईच ऑफ़ द डिस डिसिप्लिन जैसे कि आपको बता दूँ बी एम एस और बी यू एम एस एंड बी एस एम एस जो है आपके इंडियन मेडिकल सिस्टम के अंदर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर जो भी आपके सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं जो गवर्नड होते हैं गवर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया के अंदर उन सब के लिए जो है आप इसमें जो है अप्लाई कर सकेंगे नीट यू जी शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू एडमिशन टू नीट यू से ही आप जो है अगर चाहें तो इसके रिज़ल्ट के से आप जो है इस रिज़ल्ट के जो आपका मार्कशीट होगा उसके जरिए भी आप बी एच एम एस कोर्स एज पर नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्स एक्ट के अंतर्गत आप उसमें भी जो है अपना कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के अंदर जो है इन कोर्स के अंदर भी आप जो है एडमिशन ले पाएंगे इस एग्ज़ाम को देने के बाद जैसे कि आपको बताऊं एम एन एस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एस्पिरेंट सीकिंग सिकिंग एडमिशन टू बी एस सी नर्सिंग कोर्स बींग कंडक्टेड एट आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल्स फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई नीट द नीट स्कोर विल बी यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर सिलेक्शन टू द फोर ईयर बी एस सी नर्सिंग कोर्स मैं आपको एक बात बता दूँ यहाँ पे जैसे कि आपको बता रहे हैं यहाँ पे एक जो तीन लाइन में यहाँ पर बताया हुआ है ये बोला गया है कि जो आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज होते हैं उसके लिए एसपे एसपेरेंट जो भी होगा उसको अगर बी एस सी नर्सिंग कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है तो उसको जो है नीट का एग्जाम देना होगा उसी की जो स्कोर कार्ड होगा उसी से जो है है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सिलेक्शन किया जाएगा आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स के के एडमिशन लिए नेक्स्ट आपको बताऊं द एंट्रेंस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब यहां पे यह है कि आपके क्वेश्चंस सौ क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर फोर ऑप्शन सिंगल करेक्ट आंसर मतलब कि आपका एक उनमें से सही करेक्ट आंसर होगा चार ऑप्शंस आपको पेपर में क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाले हैं फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यानी कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी बायोलॉजी के अंदर आपका बुटैनी एंड जियोलॉजी ये दो सब्जेक्ट आपके आएंगे 50 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट विल बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस मतलब यहाँ पे ये यह है कि पचास क्वेश्चन जो है हर सेक्शन से आएंगे विल बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन मतलब कि आपका पचास क्वेश्चन जो है आपके फ़िज़िक्स में से पचास केमिस्ट्री में से पचास बायोलॉजी में से इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और उनको दो सेक्शन में बांटा जाएगा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी मतलब सब्जेक्ट एक होगा और सेक्शंस दो होंगे इस तरीके से आपके छह सेक्शंस और तीन सब्जेक्ट जो है यहाँ पे पेपर में होंगे और आपको इसके लिए ड्यूरेशन जो है वो टू मिनट्स का मिलेगा जैसे कि आप समझ सकते हैं टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और टू मिनट्स यानी कि पर मिनट आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक मिनट में आपको एक एमसीक्यू का क्वेश्चन जो है वो खत्म करना है इस तरीके से आप अपना जो है स्ट्रेटेजी जो है अपना तैयार कर सकते हैं थ्री आवर ट्वेंटी मिनट्स आपको यहाँ पे थ्री आवर्स ट्वेंटी मिनट्स यहाँ पे टोटल टाइम जो टू हंड्रेड मिनट्स है उसको आवर में कन्वर्ट करके बताया हुआ है एग्जाम आपका एक ही शिफ्ट में होगा जो कि आपका दोपहर के यानी कि पीएम टाइम में टू पीएम से फाइव ट्वेंटी पी तक होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि यह आपका इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग होगा एंड शैल बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल कैंडिडेट्स नीट यू जी दो हजार तेईस विल बी कंडक्टेड इन थर्टीन लैंग्वेज जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है इंग्लिश हिंदी असामीज बंगाली गुजराती कन्नड़ा मलयालम मराठी उड़िया पंजाबी तमिल तेलुगु और उर्दू इन लैंग्वेज में आपका जो ये एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा मतलब कि इन लैंग्वेज में आपका ये जो नीट 2023 का एग्ज़ाम है वो होगा मैं आपको बताऊँ अगर तो लास्ट डेट जो है वो 6 अप्रैल 2023 में रात के नौ बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकेंगे लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फ़ी फी की जो है आपको जो है फ़ी के लिए टू uh, हंड्रेड फिफ्टी मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे यानी कि आप सेम डे पे यानी कि सिक्स अप्रैल को रात के ग्यारह पचास तक जो है लास्ट आप इसके लिए फीस पेमेंट कर सकते हैं करेक्शन इन पार्टिकुलर अब आप देखिए करेक्शन विंडो जो आपको बताई करेक्शन विंडो मतलब कि ये है कि आप कब जो है इन एग्ज़ाम के फॉर्म के अंदर जो है कब अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर करेक्शन कर पाएंगे तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि ये वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा आने वाले समय में यानी कि एक से दो हफ़्ते बाद ही आपको करेक्शन विंडो का भी टाइम बताया जाएगा कि कब जो है आप अपने फॉर्म के अंदर कुछ भी करेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं फी पेएबल बाय कैंडिडेट अब देखिए फीस मैं आपको बता दूं हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग फ़ीस है नीट अंडर ग्रेजुएट जो मेडिकल इंस्टीट्यूट और कॉलेज़ के एडमिशन्स के लिए इंडिया के अंदर अलग अलग, अलग कोर्सेज़ बहुत सारे जो है मेडिकल कोर्सेज़ होते हैं और बहुत सारे जो है इंडिया के अंदर बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूट और कॉलेज़ हैं मेडिकल के उनमें एडमिशन के लिए आपको ये जो है एग्ज़ाम देना पड़ता है ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाता है इस एग्ज़ाम को और इसके अंदर आपको जो है जनरल में आपको सेवनटीन हंड्रेड थाउजेंड सेवनटीन हंड्रेड जो है आपको फ़ीस देनी है जनरल कैंडिडेट को जनरल ई और ओ में एन यानी ओ में जो नॉन क्रीमी लेयर हैं जिनकी पर एन की सैलरी पूरे एनुअल इनकम जो है उनकी फैलरी पूरे फैमिली की वो अगर एट लाख रुपीस से कम है तो उनको सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज़ पे करने हैं सेम इसी तरीके से एस सी पी डब्ल्यू बी डी और थर्ड जेंडर को थाउजेंड रुपीज़ जो है यहाँ पर पे करने पड़ेंगे ये इंडिया के लिए बात हो रही है इंडियन अगर जो सेंटर इंडिया में सेंटर्स पढ़ रहे हैं जिनके उनके लिए फ़ीस है जिनके सेंटर आउटसाइड इंडिया है यानी कि इंडिया के बाहर सेंटर जिनके लिए पढ़ेंगे या जो इंडिया के बाहर से देने वाले हैं इस एग्ज़ाम को तो उनको जो है नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ जो है फी पेमेंट करनी पड़ेगी ये एक एप्लीकेशन फ़ीस है इसके लिए मैंने आपको बता दिया है किसको कितना फ़ीस जो है वो पे करना होगा प्रोसेसिंग चार्जेस एंड फूड एंड सर्विसेज टैक्स जिसको जीएसटी बोलते हैं आर टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल अगर आपसे एंड में फीस जो एप्लीकेशन फी जब आप पेमेंट करेंगे उसकी उसमें आपसे अगर एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है तो वो बैंक का चार्ज होगा सर्विस चार्ज होगा वो आपको अलग से देना होगा अमाउं अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि आपका सेंटर जो है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा वो आपको बता दिया जाएगा कुछ समय बाद वेबसाइट वेबसाइट पर ही सेम इसी तरीके से एडमिट कार्ड के बारे में भी आपको वेबसाइट पर ही बाद में बताया जाएगा डेट आपको बता दूं जैसा कि इन्होंने पहले भी बताया था सत्ताईस तारीख वाले नोटिस में भी बताया हुआ है ये कि सेवन्थ ऑफ मई 2023 को संडे को ये एग्ज़ाम होगा ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन अगर मैंने आपको पहले ऊपर जैसा बताया थ्री आवर ट्वेंटी मिनट्स का जो है ये टाइम रहेगा एग्ज़ाम का टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन टू से लेकर फाइव ट्वेंटी पी तक ये आपका एग्ज़ाम होगा सेंटर डेट एंड शिफ्ट ऑफ नीट जैसे मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया कि जो सेंटर और आपकी डेट और शिफ्ट के बारे में शिफ्ट देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि शिफ्ट आपको बाद में बता दी जाएगी हालांकि इन्होंने यहाँ पे बोला भी है कि दो बजे से जो है पाँच बीस तक जो है आ, आपका ये एग्ज़ाम होना है आईएसटी टाइम के हिसाब से इंडियन टाइम के हिसाब से हालांकि अगर ऐसा कोई चेंज होता है कि दो शिफ्ट में हो रहा है ऐसा कुछ होता है तो वो आपको बाद में बता दिया जाएगा हालाँकि वो इंडिकेटेड होगा एडमिट कार्ड पर भी डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की आंसर की जो है वो आपकी रिजल्ट से पहले आती है जब जैसे कि आप समझ सकते हैं सात मई को आपका एग्ज़ाम है तो मई के एंड से पहले पहले आपका जो है आंसर की रिलीज़ किया जाएगा उसके लिए जो एक्चुअल डेट है वो बाद में आपको बताई जाएगी अभी ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे हैं ये लोग कि एक्चुअल में वो क्या डेट रहेगी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी आपको बाद में बताया जाएगा कि नीट का रिजल्ट जो है वो कब आने वाला है ओ बी सी एन सी एल यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस एन सी एल में यानी नॉन क्रीमी लेयर में जिनको मैंने बताया था अभी उनको उनके लिए कुछ बोला गया है उनके लिए ये बोला है कि एज़ पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑन द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस द कैंडिडेट फॉलोइंग ऑन दिस लिस्ट अवेलेबल ऑन में मेंशन ओबीसी एनसीएल इन द कैटेगरी कॉलम देखिए मतलब ये बोला गया है आप पहले सारा कुछ चेक कर लेना उन्होंने वेबसाइट यहाँ पे बताई गई है, है जिससे कि कैंडिडेट ऐसा ना हो कि वो अपने आप को वो ओबीसी है अगर कोई कैंडिडेट और वो अपने आप को एनसीएल में समझ रहा है तो उसको अपने आप को एनसीएल कैटेगरी में समझने से पहले एक बार ये जो वेबसाइट दी है जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट है इस पर जो ये वाली वेबसाइट है ए एन सी बी सी डॉट एन आई सी डॉट इन इस पर आप जाके चेक कर लेना अपनी एलिजिबिलिटी कि आप ओ बी सी के अंदर एन सी एल में आते हैं या नहीं उसके लिए क्या क्या जो है आपके प्राथमिकता यानी कि क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी शो करना होगा वो आप चेक कर सकते हैं अगर वो उस कैटेगरी में नहीं आता तो उसको जनरल चूज करना पड़ेगा ये उन्होंने पहले ही बता दिया है अगर आप नहीं आते उस कैटेगरी में तो आप जनरल चूज कर लेना तो इसीलिए आप पहले उस वेबसाइट पर जाके ये सारा कुछ देख लें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर नीट यू जी थ्रो ऑनलाइन मोड ओनली थ्रो द वेबसाइट देखिए मैं आपको बता दूं अगर आपसे कोई ऐसा बोले कहीं पे भी कि आपके लिए आपका फॉर्म भर दूंगा मैं ऑफलाइन और ऐसा कुछ कि एक फ़िजिकल फॉर्म है वहाँ ऑफिस में जाके लेना है और फिर उसको फिल करना है इतने पैसे लगेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है सारा कुछ ऑनलाइन होगा इस बात का आपको ध्यान रखना है भले ही आप उसे साइबर कैफ़े से कहीं पे जाके भरें या अपने खुद के डिवाइस से भरें वो आपकी मर्जी है लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको ये फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है यहाँ पे कोई भी फिजिकल फॉर्म फिलिंग नहीं होगी इस बात का ध्यान रखना होगा सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मे बी डन बाय एसेसिंग द एन वेबसाइट जो आपका सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म मतलब कि जब आपका फॉर्म भर जाएगा तो उसके बाद आप फॉर्म को कब कैसे देख सकेंगे सिर्फ एन की वेबसाइट पर ही उस फॉर्म फिलिंग जो फिल्ड फॉर्म होगा उसको देख सकेंगे द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड आप सिर्फ एन से ही अपना फॉर्म भर सकते हैं और कहीं से नहीं भर सकते वहीं से एक्सेप्ट किया जाएगा और वहीं से ही आप अपने एग्जाम फॉर्म तक एप्लीकेशन फॉर्म तक जो है पहुंच सकते हैं उसी वेबसाइट पर देख सकते हैं और कहीं नहीं देख सकते ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट एक कैंडिडेट एक स्टूडेंट एक एप्लीकेंट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन जो है फिल कर सकता है अप्लाई कर सकता है उससे ज़्यादा नहीं कर सकता कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन जैसा कि मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वो भी वो भी आ चुका है वेबसाइट पर ही जिसके अंदर एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी एक एक चीज़ डिटेल है उसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें आपको सब कुछ जो है नीट यू जी से रिलेटेड एक एक डिटेल जो है वो आपको उस वीडियो में बताई जाएगी इस वीडियो में मेन बात यही है कि आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन के हिसाब से उसके बाद ही आपको सारा प्रोसेस करना है देखिए आपने अगर वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया जैसा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बताया गया है तो आपका एग्ज़ाम जो है आपका जो मार्कशीट है आपका एडमिशन जो है वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा और आपका आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा कैंडिडेट मस्ट इन्श्योर दैट ई मेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन और पेरेंट गार्जियन ओनली एज ऑल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंड बाई द एन टी ए थ्रो ई मेल ऑन द रजिस्टर्ड ई मेल एड्रेस और एस एम एस ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओनली जैसा कि मैंने आपको और एप्लीकेशन फॉर्म में भी मैंने जब फिल करवाता हूँ तो ये बात मैं ज़रूर बताता हूँ कि आपको जो है अपना ई मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट देना होगा क्यों क्योंकि उसी पे जो है आपके आपसे आप जो भी बात होती है एनटीए की आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपका नोटिफिकेशन होता है वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही आता है वो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपके पेरेंट्स का हो सकता है गार्जियंस का हो सकता है या आपका खुद का हो सकता है Candidates are required to upload address proof, present and permanent address during the online application form of the same exam. The address proof may include Aadhaar card. डोमिसाइल सर्टिफिकेट पासपोर्ट वोटर आई डी कार्ड एक्सेट्रा मतलब आपको बोला गया है यहाँ पे आपको एक एड्रेस प्रूफ के बेस पर आपको एक चीज डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा वो आप आधार कार्ड या फिर आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट पासपोर्ट वोटर आई डी कार्ड या जो आपको मैंशन होगा फॉर्म के अंदर उनमें से आप दे सकते हैं बोथ डॉक्यूमेंट इफ़ एप्लीकेबल आर टू बी मर्ज एंड अपलोडेड इन दिंग सिंगल पी डी एफ फाइल अब देखिए आपसे क्या बोला गया आपसे बोला गया है आपका एक एड्रेस प्रूफ उसके अलावा आपसे जो ये डॉक्यूमेंट बोले गए हैं इनमें से कोई भी अगर आपके पास है और आपके पास दोनों ही हैं दो दो डॉक्यूमेंट हैं सेम आ, एड्रेस प्रूफ के लिए भी और आईडी प्रूफ के लिए भी तो इसमें आप क्या कर सकते हैं दोनों डॉक्यूमेंट को एक फाइल में जोड़ के यानी मर्ज कर सकते हैं और उसके बाद आप फिर अपलोड कर सकते हैं इफ़ द प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेसेस आर सेम देन द सेम डॉक्यूमेंट विल देखिए अब आप देखिए आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो आप जो है वही सेम डॉक्यूमेंट जो आपने अपने आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में आईडी प्रूफ में लगाया है वही आप एड्रेस प्रूफ में भी लगा सकते हैं कैंडिडेट हु डिज़ायर टू अपीयर मैं सीधा डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखिए जो चाह रहे हैं कैंडिडेट इस बार 2023 में नीट यूजी का एग्ज़ाम देना वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पहले अच्छे से पढ़ लें उसके बाद ही इस एग्ज़ाम को दें तो मेन यही था नोटिस जो कि आपका आज की डेट यानी कि सिक्स ऑफ मार्च ट्वेंटी में आया है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि आप जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है सिक्स ऑफ मार्च से लेकर सिक्सथ ऑफ अप्रैल 2023 तक नीट अंडर ग्रेजुएट दो एग्ज़ाम के लिए फिल कर सकते हैं जिसके लिए फीस भी आपको बता दी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको एक नोटिस की वीडियो में बताया है जिसमें मैंने आपको चेंजेस बताए थे नीट यू जी में उस वीडियो में आपको आसानी से एलिजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी हालांकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में एक और वीडियो मैं आपको बताऊंगा जिसमें सारा कुछ जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से रिलेटेड डिटेल जो है वहाँ पर रहेगी तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद